जिस भूत के लिए रखा करवा चौथ का व्रत उसी ने मारकर 4 फीट नीचे गाड़ दिया। सोनी ने सलीम की लंबी उम्र के लिए रखा करवा चौथ व्रत तो भुगतना पड़ा खामियाजा। सोनी की संजू उर्फ सलीम से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्यार के बदले मिला जिहाद, गाड़ दी 4 फीट नीचे। सोशल मीडिया के बढ़ते जमाने में अगर आपका परिवार एक्टिव है तो सतर्क रहें, जागरूक रहें, क्योंकि पता नहीं कब हंसता खेलता खाता परिवार बर्बाद हो जाए। ये खबर एकदम हकीकत है, इसे ध्यान से सुनिएगा। आज के युवा अपने घर वालों को तो समझते ही नहीं, लेकिन ये हकीकत है जिसे समझना जरूरी है। दिल्ली के नागलोई के रहने वाली सोनी ने आरोपी सलीम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। भूखी प्यासी जिस प्रेमी की लंबी उम्र के लिए वो प्रार्थना कर रही थी, वही उसकी जान का प्यासा था, लेकिन क्यों? चलिए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। दरअसल दिल्ली के नागलोई में बॉयफ्रेंड ने अपने ही प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड की हत्या कर डाली, फिर उसकी लाश को हरियाणा के रोहतक में जाकर दफना दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे जितना मर्जी साथिर क्यों न हो, पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आरोपी हत्याकांड को अंजाम देकर बड़े ही मजे से बाइक पर घूम रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा है। दरअसल 20 साल की सोनी की हत्या करने वाले कातिल का नाम सलीम उर्फ संजू है। इस हत्याकांड को बड़े ही शातराना तरीके से अंजाम दिया गया है। सलीम ने पहले 2 दोस्तों ऋतिक और पंकज को अपने प्लान में शामिल किया। तीनों ने मिलकर करवा चौथ का दिन फिक्स किया। फिर सलीम ने एक कार रेंट पर ली। उसने सोनी को फोन किया, बोला आज करवा चौथ है, मुझसे मिलने आओ। सोनी ने भी उसके लिए व्रत रखा था। सोनी उसे बेतहा मोहब्बत करती थी। सलीम के एक इशारे पर वो 21 अक्टूबर को तैयार होकर उससे मिलने पहुंच गई। लेकिन यहाँ सलीम तो कुछ और ही प्लान बनाकर बैठा था। सलीम ने उसे कार में बिठाया, फिर रोहतक ले जाने लगा। रास्ते में ही उसने सोनी को गला दबाकर घोंटकर हत्या कर डाली। रोहतक के एक जंगल में जाकर फिर शव को 4 फीट नीचे दफना दिया। कार में उसके दोनों दोस्त भी थे। तीनों वापस नागलोई लौट आए, रेंट पर कार ली थी और रेंट पर ली हुई कार उन्होंने वापस कर दी और आराम से रहने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसका परिणाम तो भुगतना ही था। आइए बताते हैं कि इंस्टाग्राम की रील ने कैसे सोनी की जिंदगी को कर दिया बर्बाद। दूसरी तरफ सोनी के पिता ने एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। पुलिस सोनी की तलाश कर रही थी। उन्हें जांच में पता चला कि सोनी का सलीम नाम के लड़के से अफेयर था। सोनी के घर वालों से पूछा गया तो उसकी बहन ने बताया कि दीदी पहले किसी से फोन पर बात करती रहती थी। उन्होंने फोन पर भूत नाम से नंबर सेव किया हुआ था। जब भी उनसे पूछा जाता कि किससे बात कर रही हो तो वो कहती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने प्रोफाइल पर लिखा था भूत। इन्हें इंस्टाग्राम रील बनाने का भी बहुत शौक था। वही बहन बोली कि लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि ये भूत कोई और नहीं बल्कि कोई संजू नाम का लड़का है। दीदी का संजू से अफेयर था। दोनों की इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी, इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई थी। घर वालों ने पहले तो सोनी पर गुस्सा किया, लेकिन सोनी ने उन्हें भरोसा दिलवाया कि संजू उससे शादी करेगा। घर वाले बेटी की बात सुनकर वो भी मान गए। उन्होंने सोचा कि अगर लड़का उनकी बेटी से शादी करेगा तो वो ठीक है। फिर दिन आया करवा चौथ का। इस दिन सोनी घर से कहकर निकली थी कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन उसने नहीं बताया कि वो संजू से मिलने जा रही है, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। पुलिस ने बताया कि हमें शिकायत 23 अक्टूबर को मिली थी। जांच में पता चला कि सोनी की अंतिम बार संजू से ही बातचीत हुई है। जांच के बाद संजू को हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो बोला कि मैं सोनी से कहता था मान जाओ, लेकिन वो नहीं मानी और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हमारे बीच इसी बात को लेकर कई बार झगड़े भी हुए। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसे मार डाला। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि संजू का असली नाम सलीम है। वहीं सोनी के घर वालों का कहना है कि हम इस बात से अनजान थे कि संजू दूसरे समुदाय का है। हम संजू को हिंदू ही समझते थे, इसलिए शादी के लिए भी राजी हो गए थे। संजू के अलावा पंकज को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उनका तीसरा साथी ऋतिक अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है, जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। उधर सोनी का पूरा परिवार सदमे में है। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि जिस लड़के को वो संजू के नाम से जानती है उसका असली नाम सलीम है। लेकिन दिल्ली में बढ़ती हुई हत्याओं से आखिर कैसे इन लड़कियों की बुद्धि में सुधार आएगा? आए दिन इस तरह का शिकार हो रही है, फिर भी जागरूक नहीं है। आज के जमाने में नाम बदलकर भेड़िया घूम रहे हैं, कभी भी आपको निशाना बनाया जा सकता है। दिल्ली का चाहे श्रद्धा हत्याकांड हो या फिर और कोई हो, लेकिन जागरूकता नहीं हो रही है। तरह का कदम ना उठाओ भाई, अपने घर की तरफ देख के चलो। घर की तरफ देख के चलोगे तो बढ़िया रहा, क्योंकि माँ बाप बालक वो ना पढ़ दे, बड़ी मेहनत से पढ़े। खेती वाला है शायद वो है जम लड़कियाँ न्यू कर दे लाले। ये घने के ऐसी से देखा भाई सोशल मीडिया पर, अगर ये मुसलमान अल्लाह जी याद के चक्कर में लड़कियाँ ना फंसा ले, फिर यो
अंजाम दिए हैं भाई। हाँ एक मुसलमान नहीं मेरा भाई, मुसलमान का लड़का है जिसके साथ में मतलब कि लव अफेयर था इस लड़की का, ये बताया आप लोगों को।